दोस्तों, आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल की तरफ से शुभ प्रभात, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं और अपना प्यार सहयोग देते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं। इसके लिए डेली लाइफ डायरी चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग अपना प्यार सहयोग देते रहिए और हम आपको नए नए वीडियो बना करके दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग का प्यार सहयोग हमेशा बना रहे, इसी के लिए डेली लाइफ डायरीज के चैनल तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बनाएंगे गेंधरी यानी कि चौलाई साग के झूड़ी बचका जिसको कहते हैं। तो हमने साग को धो करके कट कर लिया। इसमें बेसन आधा कप डालें, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और हरी मिर्च। इसके बाद इसमें हम एक गांठ डेढ़ गांठ जितना साग होगा उस अनुसार लहसुन का पेस्ट डाल दिए और हल्का सा पानी मिक्स करके इसको अच्छी से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो हमने चौलाई साग यानी कि हम लोग के भाषा में यहाँ पर गेंदरी कहा जाता है, तो हम उसको अच्छी से मिक्स कर लिए। अब चलते हैं, इसको फ्राई करेंगे। तो सरसों तेल को हमने गर्म किया था और इसी में थोड़ा थोड़ा सा गोला बना करके डाल दिए। तेल गर्म रहेगा तो फ्राई अच्छा ही निकलेगा, नहीं तो कम तेल में थोड़ा फ्राई टूट टाट जाता है। तो इसलिए जब भी बचका आप बनाइए तो थोड़ा तेल गर्म होना चाहिए। तो चौलाई साग के बचका खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है, कुरकुरा। आप बना करके खा करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और सेहत के लिए भी चौलाई साग फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखते रहिए अंत तक और नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा झूड़ी बचका जिसको कहते हैं बनकर तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छा बना है। आप भी बनाकर खाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही कुरकुरा बना है। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगने वाला है।
इसको तो देखने से ही पता चल रहा है जो टेस्टी बना ही है। हमारे घर में बच्चों लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको। और थोड़ा सा और बचा है, उसको भी हम इसी तरह से डाल करके फ्राई कर लेंगे। ऐसे तो आप कोई भी साग का इस तरह से बचका बनाइएगा तो टेस्टी ही बनेगा। तो हमारे यहाँ साग से ज़्यादा बच्चे लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि खाने में यह कुरकुरा स्वादिष्ट ज़्यादा लगता है साग से। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। आप लोग अपना प्यार सहयोग देते रहिए। जो भी हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए होंगे या करेंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा चौलाई साग के कुरकुरा बचका तैयार हो गया बन करके। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना सहयोग प्यार देते रहिए और हम इस तरह से वीडियो आप बना करके डालते रहेंगे।